आदरणीय डॉक्टर पर्वत जस्टिस पर्वतराव जी, आदरणीय डॉक्टर अवधानुरु जी, मित्रवर आदरणीय मनोहर राव जी एवं योगानंद जी, उपस्थित युवा बंधु भगिनी, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, युवा लोगों के बारे में विषय है और बहुत से युवा यहां है, इसलिए स्वाभाविक है भावनाएं उत्कट होती है, उत्साह लगता है तो नारे भी लगते हैं। ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए युवाओं में। लेकिन जो विषय मुझे आपके सामने रखना है वो जोश वाला नहीं है, वो होश वाला है। युवाओं की उत्कटता ये उनकी विशेषता है, लेकिन युवाओं की जिद, लगातार किसी बात को साध्य करते तक परिश्रम करते रहना, इसलिए उत्साह के साथ साथ धैर्य, ये भी उनकी विशेषता है। वास्तव में काले बाल वाले लोग युवा होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत से सफेद बाल वाले युवक और काले बाल वाले बूढ़े मिलते हैं। अभी परशुराम कुंड गए थे हमारे कुछ युवक मित्र, बैठक थी वहां तिनसुकिया में, उसके बाद देखने के लिए गए थे, 30-40 साल की आयु के सब, उनके साथ सुदर्शन जी भी गए, 87 साल की उनकी आयु है, अभी अभी एक ऑपरेशन से उभरे हैं। पहाड़ों में घिरे ब्रह्मपुत्रा का प्रवाह है, वो कुंड कहलाया था, वो ठहरती नहीं है, पहाड़ से टकराती है वापस आती है, थोड़ा सी वहां गति कमी होती है, वो कुंड है, लेकिन वो कम गति भी बहा के ले जाती है आदमी को, इतनी ज्यादा गति है। और वहां पर जाना, उस ठंडे पानी में जो हिमालय से सीधा शीतल जल वहां आता है, वहां स्नान करना और खड़ी चढ़ाई 300 पैड़ियों की चढ़ना, तो 30-40 आयु के जो लोग गए थे उसमें कुछ लोगों ने स्नान नहीं किया, इतने ठंडे पानी में कहां स्नान करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऊपर क्या है, कुछ नहीं, एक मंदिर है तो क्या करना है ऊपर आके, हम ऊपर नहीं आते। तो किसी को वो परिश्रम किसी से नहीं हुआ, किसी से वो ठंडी झेलना नहीं हुआ। 87 साल के सुदर्शन जी उत्साहपूर्वक गए, उन्होंने केवल डुबकी नहीं लगाई, पक्का स्नान किया, अंदर खड़े रह के अर्घ्य दिया और 300 पैरी चढ़ के ऊपर गए, मंदिर का दर्शन किया और नीचे आए, और ये सारा लगभग 4 घंटे का उबड़ खाबड़ रास्तों पर बस का प्रवास करने के बाद। तो युवा कौन है? तो युवा एक वृत्ति है, और हम लोग भाग्यवान है भारत के लोग कि हमारे पास आयु के हिसाब से भी और वृत्ति के हिसाब से भी भरपूर युवा है। आने वाले वर्षों में दुनिया की तरुणाई समाप्त होकर उनका बुढ़ापा शुरू होगा, आने वाले 20-30 वर्ष तक हमारी तरुणाई कायम रहने वाली है, आयु की भी और वृत्ति की भी, वृत्ति की तो सदा बनी रहती है। ऐसे युवाओं के लिए आज का भाषण है, और वो भारत से संबंधित है। यहां लिखा है भारत चैलेंजेस बिफोर द यूथ। चैलेंजेस बहुत है, मुझे जीवन में कुछ बनना है ये भी चैलेंज है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो वो भी एक चैलेंज है, लेकिन उन चैलेंजेस के बारे में मैं नहीं बोलने वाला हूं। भारत एंड चैलेंजेस बिफोर यू, तो भारत के सामने जो चुनौतियां है उसके साथ जो एकात्मता अनुभव करते हैं, सहसंवेदना अनुभव करते हैं,
भारत की चुनौतियों का उत्तर देने में मेरे जीवन का साफल्य है, ऐसा जो मानते हैं ऐसे लोगों के लिए आज का भाषण है, मनोरंजन के लिए नहीं है। ऐसे अगर कोई नहीं है तो उनके लिए यह भाषण नहीं है। तान प्रति नहीं से यत्न, ऐसा कहा गया है, केवल उन्हीं के लिए भाषण। और विषय ऐसा दिया है, इसका अर्थ साफ है कि स्वतंत्रता के 64 वर्ष पश्चात भी भारत के सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियां होती है, बिना चुनौतियों का जीवन नहीं रहता। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने स्वतंत्रता के 64 वर्ष पश्चात है, उतनी आधुनिक इतिहास में कभी किसी देश के सामने नहीं रही होगी। आश्चर्य है, चुनौतियां, एक एक चुनौती का विचार करते हैं तो जिसको धैर्य नहीं हो आदमी तो निराश हो जाता है। और एक चुनौती नहीं है, बहुत है और लंबे समय से चलती आई हुई है। लेकिन चुनौती के बाद से ज्यादा हमको उपाय की बात करनी है, इसलिए चुनौतियों को केवल देख लेंगे सरसरी निगाह में। वो डरावनी है लेकिन डरना नहीं है। जैसे 64 साल बाद भी अपनी सीमाएं ढीली है, वहां पर हम पहुंच नहीं सकते, वहां का बंदोबस्त ठीक नहीं किया है, वो सीमाएं सच्छिद्र है। सीमा पर शत्रु है अलग बात है, शत्रु कभी होते हैं कभी नहीं होते, वो तो भाग्य की बात है। अब सीमा पर अपने पाकिस्तान है, वो शत्रुता करता ही है, उसको हम जानते हैं और हमको ज्यादा चिंता भी नहीं लगती, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक वो गुर्राता है। लेकिन हमने गुर्राने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा जोर से बोल दिया तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ न करें, इतना देखना है। लेकिन चीन भी है, सीमा पर नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी प्रभुसत्ता है वो भी है। इन सब लोगों को लगता है कि भारत नेतृत्व करने वाला है। हाँ, इसका मतलब मेरा नेतृत्व जाने वाला है भारत के पास, इसका मतलब नेतृत्व की स्पर्धा में मैं पीछे हो जाऊंगा, भारत आगे जाएगा। इसलिए भारत नेतृत्व स्थान पर न आ सके अपने स्वार्थ के लिए, भारत के खुली या छुपी शत्रुता करने वाले भी हैं और वो जा रहे हैं और हम बेखबर है। कितने दिन से चीन के इरादों के बारे में सब लोग चिल्ला रहे, सरकार ने भी माना है, लेकिन अभी भी अपनी सीमा तक रास्ता नहीं बना है। अपनी सीमा के अंदर खड़े होकर उधर देखते उस पार तो रास्ते बने हैं, रेल लाइन बनी है, हवाई अड्डे बने हैं, शस्त्रागार बने हैं, मिसाइल के स्टेशन बने हैं, और हमारे जवान को रसद पहुंचाने के लिए अभी भी खच्चरों पर लादकर 3 दिन बर्फीली चट्टानों में पहाड़ों में प्रवास करना पड़ता है। ये हमारी तैयारी की स्थिति। कितने दिनों से घुसपैठ विरोधी आवाजें उठ रही, सुप्रीम कोर्ट तक सबने कह दिया घुसपैठे आ रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं, सीमाओं का बंदोबस्त नहीं, तारबंदी पूरी नहीं हुई, चारों ओर से शत्रु घेराबंदी कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा हम उसके बारे में सतर्क नहीं है। हमारी जो तैयारी चाहिए, सामरिक तैयारी चाहिए, आर्थिक तैयारी चाहिए, राजनयिकी दृष्टि से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दृष्टि से हमारी फील्डिंग चाहिए, नहीं है, एक समस्या है। और अंदर भी गड़बड़ है, केवल सीमाओं की बात नहीं, हम जानते हैं, बहुत ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, परपोषित आतंकवाद चलता है,
शब्दवाद चलता है, उसके तार विदेश से हिलाए जाते हैं, विदेशों ने जाल बुना, या यहां से वहां तार जोड़े गए, दोनों बातें हैं। आतंकवाद चलता है, मैं इसका बहुत वर्णन कर सकता हूं, लेकिन क्यों करना, इतनी चर्चा होती है और इसका वर्णन करके क्या करना, इसके उपाय का वर्णन करना है, लेकिन है हम लोगों में आपस में लड़ाई लगाने का काम भी, भेद फैलाने का काम भी विदेश से प्रायोजित ढंग से होता है। वहां रिसर्च होता है कि हम लोग अलग अलग है, वहां रिसर्च होता है कि वंश ही अलग है, गलत रिसर्च, गढ़ा हुआ रिसर्च, झूठे सबूतों के आधार पर, लेकिन उस रिसर्च को वहां मान्यता दिलवाकर उसको हमारे बुद्धिधर्मियों के दिमाग पर थोपने का प्रयास चलता है। परपोषित आतंक है, वैसे परपोषित भेद भी है, अंदर से ये आक्रमण है, कितने प्रकार का आक्रमण है। सीधा आक्रमण करना आज के जमाने में प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी ठीक नहीं, व्यय की दृष्टि से भी ठीक नहीं, इसलिए छुपे आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण चल रहा है। बहुत सारे डेज आजकल प्रसिद्ध होते हैं अंग्रेजी माध्यमों से, मदर्स डे, फादर्स डे, ये हमारे यहां डेज कब थे? ये माता का सम्मान एक दिन का काम है क्या? जीवन भर करने का काम है। ऐसा है तो सांस लेने का कोई दिवस निश्चित क्यों ना करें? सांस लेने का दिवस आज क्या है? रिस्पिरेशन डे। अरे भाई वो रोज करने का काम है, वो ठीक ही होना चाहिए, रोज होना चाहिए, लेकिन होता है। चलो होने में कोई हर्जा नहीं, कहीं कहीं चलती है ऐसी रीतियां, आजकल हमारे यहां भी आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसका गुणगान करने वाले लोग हमारे यहां कुछ ऐसे प्रतीक रूप में त्यौहार है, बंधुत्व का प्रतीक है रक्षाबंधन, स्नेह का प्रतीक आपस के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, विशेषकर वाणी संयम का दिन है संक्रांति, संक्रमण का दिवस, उस समय वो चुपचाप रहते, उसकी कोई चर्चा नहीं है। विदेशों की बातों को यहां पर प्रतिष्ठा दिलवाना अच्छी है तो दिलवानी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और विदेशों की बातों को केवल वो विदेश है इसलिए विरोध भी नहीं करना चाहिए, और अपने दृष्टि से गलत भी वहां कुछ चल रहा हो, वहां के हिसाब से ठीक हो तो चले, उनके लिए ठीक ही है, परंतु उसको यहां स्थापित करना और अपनी बातों को अनुल्लेख से मारना, यह कहां की नीति है? ये चलता है, और ये ऐसे ही नहीं चलता, ये चलाया जाता है। सी कई सूक्ष्म बातें चल रही, और इसका बंदोबस्त करना जिनका काम है उनकी नीति क्यों पता नहीं विपरीत दिखती। अब कश्मीर के बारे में बात करनी है जाके वहां, और पत्रकारों को बताना है, तो भारत की ओर से जो कोई जाएगा, वो किसी भी विचार का हो, किसी भी पार्टी का हो या न हो किसी पार्टी का, भारत की ओर से उसको जाना है तो उसका पत्रकारों में यही बात होगी ना, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, निर्विवादित बात है, संसद का एकमत से प्रस्ताव है, भारत के हित की बात है। लेकिन हमारे ओर से भेजे गए लोग वहां जाके कहते हैं ये आजादी की बात में मतलब है क्या, खास मतलब है, लेकिन हमारे लोग कहते हैं, ये कैसा विपरीत दिमाग चलता है भाई? जहां आर्मी से, आर्मी को जहां नहीं रखना चाहिए वहां रखा है, और जहां से जहां रखना चाहिए वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। दम तोड़कर मरने वाली आतंकवादी ताकतों को समझौते के जरिए पुनर्जीवित किया जाता है। अरे कोई भी समझ सकता है, नहीं इसके लिए संघवाला होने की जरूरत नहीं, सामान्य व्यावहारिक बुद्धि का कोई भी मनुष्य कहता है अरे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बड़ा रहस्य है, उस रहस्य में हम नहीं जाएंगे और हम जानते भी नहीं, इसलिए हमको लगता है कि ये वोट की राजनीति है, ये स्वार्थ का खेल है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए
देश के हित को भी ताक पर रखकर काम करना, सत्ता पर बने रहने के लिए अंग्रेजों ने हमको तोड़ के रखा और हमारे टूट पर उनकी राजनीति चलती थी, वो बने रहे, डिवाइड एंड रूल प्रसिद्ध है, वही चल रहा है, वही चल रहा। अभी अभी जो विधेयक लाने की बात चल रही है, कम्युनल वायलेंस बिल, अब वो आया भी कैसे, कोई एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वो सीधा कानून करके भेजती है। अभी उसकी चर्चा नहीं हुई, गवर्नमेंट वेबसाइट पर आ गया, वेबसाइट पर। तो देश को चलाने वाली हमारी संसद, सांसद है, पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, कि कोई नेशनल एडवाइजरी कमेटी देश को चला रही, और कमेटी में जो लोग हैं उनके नाम सुनेंगे तो कई लोगों पर तो सुप्रीम कोर्ट तक ने उंगली उठाई है, ऐसे भी लोग उसमें हैं जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल है, ऐसा आजकल कहते हैं। ऐसे लोगों का एक एडवाइजरी काउंसिल एक कानून बना के देता है और वो सरकार की वेबसाइट पर आ जाता है, और कानून पढ़ेंगे तो सतत भारतीय समाज में गुटबंदी बने और झगड़े हो, यही उसकी मंशा है, दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। वो दिखता तो ऐसे है कि तथाकथित अल्पसंख्यकों को सब प्रकार की सुरक्षा और बहुसंख्यकों को सब प्रकार से दबाव, अपने आप में यह भी बात गलत है। उन्होंने ये मानकर ही कानून किया है कि यहां पर दंगा कौन करता है, बहुसंख्यक समाज करता है, और अत्याचार किस पर होता है, अल्पसंख्यक समाज पर होता है, अपने आप में ये दोनों बातें गलत है। अत्याचार सर्वत्र होते, केवल अल्पसंख्यक समाज पर नहीं होते, उल्टा दुनिया का एकमात्र हमारा देश है, यहां पर शरणागत के नाते लोग आए सुखपूर्वक रहे, यहूदी पारसी, यहां पर आक्रमक के नाते लोग आए, अपनी ईसाइयत लेकर आए, अपना इस्लाम लेकर आए और यहां के लोगों को बनाया, वो भी सुखपूर्वक रहे, आक्रामक नाते उनका मत आया था इसलिए उनको बाहर नहीं निकाला, वो हमारे साथ है, हम कहते हैं वो भारत माता के वंशज है, भारतीय पूर्वजों के वंशज है, हिंदू संस्कृति की विरासतदार है, भारतीय संस्कृति उनकी भी है। इस देश ने किसी को नकारा नहीं है, सबको पुकारा है, सबको बसाया, यही इस देश की विशेषता, यही परंपरा आगे चलानी है, लेकिन ये कानून उसमें भेद पैदा करता है। और इस सहिष्णुता की परंपरा, परंपरागत ढंग से उसकी रक्षा करते हुए जिसने चला रखे है उस समाज को दबाता है। ये संविधान के तहत अन्याय हो रहा है, लेकिन ये आ रहा है, गवर्नमेंट वेबसाइट पर आया है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मंशा तो उजागर हो गई। ऐसी विपरीत नीति स्वार्थ के कारण चलती है, उसी स्वार्थ के कारण जनता के पसीने का पैसा, जिनके पास पहले से अपना घर भरने के बाद भी बाहर बाकी रहेगा इतना है, वो लोग लूट रहे, विदेश में भेज दिया, वापस लाने की इच्छा नहीं दिखती, कड़ाई से कोई कानून चलाने की इच्छा नहीं दिखती, मजबूर हो जाते तब चलाते हैं, तो बलि के बकरों को फंसाया जाता है, असली सूत्रधार बाहर ही रहते। कैसा भ्रष्टाचार है, कितने करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार है। लोग तो कहते हैं कि अगर ये काला धन वापस आ जाए तो आने वाले 30-40 वर्ष तक विदेशों का सब कर्जा वापस देकर भारत के विकास के लिए पर्याप्त धन इसमें है, तरह तरह के हिसाब लगाते लोग, ये भ्रष्टाचार। अब इसमें तो लोग कहते हैं कि इसको परमेश्वर भी बंद नहीं कर सकता, ऐसा लोग कहते हैं, यानी जिनको अपने जवाबदारी से हटना है वो तो कहते ही है, लेकिन इसका प्रणाम प्रमाण देखकर सोचने वाले लोग भी कहते हैं कि क्या है ये, सर चकरा देने वाला होता है।
नीति जो चलती है वो उपकार करती है क्या? अर्थ नीति चलिए तो ग्रोथ हो रहा है, आकांक्षाएं हमारी बढ़ रही, हमारे प्रयास भी बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी बातें जरूर हो रही है, लेकिन कुछ भ्रम भी पैदा हो रहा है। ये जो ग्रोथ जिसको कहते हैं वो जॉबलेस ग्रोथ है, उसमें रोजगार पैदा नहीं होता। और इसलिए जैसे जैसे विकास होता है बेरोजगारी बढ़ती है, इस पद्धति से जहां जहां विकास हो रहा है वहां यही हाल है। महंगाई बढ़ती है क्योंकि इन्फ्लेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो कुछ 20% लोगों को तो इस विकास का लाभ लेने की ताकत है, बाकी 70-80% जनता इसके कारण और नीचे जा रही है। अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे, खाई बढ़ रही, इससे असंतोष पैदा होता है। उस असंतोष के कारण हिंसा होती है, हिंसा की आदत लगती है, अनीति की आदत लगती है। बयान किया था तो पूछा कैसे क्या चल रहा है, उन्होंने कहा पहले से अच्छा है, अब किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता रोजगार के। मैंने कहा बाहर नहीं जाते हो तो अवसर भी नहीं मिलते ना, कुछ विक्रीजय करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो बोला हाँ, इसके पहले हमको मजबूरन करना ही पड़ा विक्रीजय, बिहार छोड़ के बंबई जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा, उधर जाना पड़ा, लेकिन हमारे गांव में तो कुछ नहीं मिला, एड्स मिल गया। मैं लोग क्या मतलब, बोले हमारे यहाँ बीमारी नहीं थी, हमारे यहाँ ऐसा भ्रष्ट जीवन ही नहीं है, संस्कार से जीवन चलता है, परंपरा से चलता है, तो ये ऐसी बीमारियां थी। लेकिन मजदूरों के हमारे जवानों को वहां जाकर रहना पड़ा, तो यहां खुली हवा में थोड़े साधनों के लेकिन खुद का परिश्रम करते आराम से रहते थे, स्वस्थ रहते थे, वहां झोपड़ी में रहकर अपने स्वास्थ्य और स्वस्थ दोनों को बेचकर आए, ऐसी बीमारियां ले रहे हैं। हमारे इधर टीबी नहीं था, टीबी आ गई, हमारे यहां एड्स नहीं था, एड्स आ गया। तो नीति तरक्की है, उसके दिखने वाले लाभ के लिए बिल्कुल आप ये ऐसा तो नहीं, उन्नति के लिए ही नीति की होगी, लेकिन देखना चाहिए उसकी अगर की जा रही है। किसानों की जमीन लेकर वहां फैक्ट्री डालेंगे, उपजाऊ जमीन कम करेंगे, अन्न उत्पादन कम होगा, किसान अपने रोजगार से बेदखल होगा, उसके जमीन पर आधारित जिन जिन के रोजगार है, सुधार का रोजगार करता है, लोहार का रोजगार, खेती पर चलता है ना, हल चलता है इसलिए लोहे का फल चाहिए, हल चलता है इसलिए बैलदंडी चलती है, इसलिए लकड़ी चाहिए, ऐसे सब लोग बेदखल होते हैं, उनके पर्यायी व्यवस्था किए बिना फैक्ट्री चलेगी तो वो फैक्ट्री क्या भला करेगी और किसका भला करेगी? हो रहा है, ये नीति चल रही है और उससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। विदेशों के पश्चिम के विकास नीति के अंधानुकरण के ये परिणाम है, जो अच्छा है उसका अनुकरण करना ही चाहिए। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, सारे विश्व से अच्छे विचारों को, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उपयोग करने का विवेक होना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। टाइफाइड के पेशेंट को आप रबड़ी खिलाएंगे नहीं चलेगा, रबड़ी अच्छी होती है लेकिन रबड़ी पचा सकता है उसको, रबड़ी खिलाओ, विवेक नहीं, विवेकहीन नीति चलती है। और नीतिकारों की शिक्षा या नीतिकारों ने प्रचलित की हुई शिक्षा, उसका क्या हाल है? यहां युवा है, छात्र बहुत होंगे, शिक्षा एक शब्द में कहेंगे महंगी हो गई है, उसका व्यापार चल रहा है, बहुत स्कूल कॉलेज विद्यालय सबकी संख्या बढ़ गई है, समाज में शिक्षा लेने की इच्छा भी बढ़ गई है, लेकिन वो शिक्षा महंगी करके सामान्य आदमी के पहुंच के बाहर हो गई। और इसलिए वृक्ष के शिखर पर तो कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन मूल में जाए तो एक आदमी हमारा दुनिया में पहला नंबर कमाता है, वाह वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने चले थे भैया बाहर? 100 चल के एक पहला आता है, हमारे यहां 10,000 चले थे, इतने चले थे
तो बाकी फेल नहीं, बाकी फेल नहीं हो गए, 10,000 में से 9,000 लोगों को प्राथमिक शिक्षा में ही वो चले गए वापस। क्यों गए? तो भाई उनको रोजगार की ज्यादा जरूरत थी, और ये आपके विद्यालय का समय दिन में रहता है, दिन में रोजगार मिलता है, रात में उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं, ड्रॉप आउट। शेष में 900 लोग मैट्रिक तक समाप्त हो गए, और शेष में 90 लोग आगे की ग्रेजुएशन की शिक्षा में समाप्त हो गए। 10 लोगों ने आगे स्पर्धा की, एक पहला आ गया। कौन जाते हैं? अभी भी कुछ दिन पहले विद्यार्थी परिषद ने कार्यक्रम किया था प्रत्येक राज्य में, इसकी जरा स्थिति देखने का, सर्वेक्षण का। छत्तीसगढ़ में एक विद्यार्थी मिला, उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी मेहनत करके, पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में गया, मेरा फाइनल ईयर था, पिताजी का संदेश आया कि देखो तुम्हारे पढ़ाई के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ा, वो हफ्ता देते देते अब तो ऐसी स्थिति है कि मुझे सब कुछ भेजना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हारा भाई भी मेरिट में आ गया और वो भी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, तुम दोनों तय करो कौन पढ़ना चाहता है, दो दो का भार मैं नहीं ये कर सकता, तुम्हारे बहन का विवाह भी करना है, तो मुझे फाइनल ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई महंगी है, और ऐसी हालत हमारे देश के 60% लोगों की है, और जो शिक्षा है वो क्या उत्पन्न करती है? खाने पीने परिवार बढ़ाने वाला आदमी, आहार निद्रा भय मैथुन इतना ही होता है, उस शिक्षा में स्वाभिमान के संस्कार है? हमारे अपने कर्तृत्व को, अपने कर्तृत्व की परंपरा को प्रोत्साहन देने का कुछ है? कुछ नहीं। कल ही आया एक सज्जन से मिल के, वो कैलकुलेटर बनाते हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार का कैलकुलेटर पहली बार दुनिया में हमने बनाया। ऐसा तो नहीं सुना हमने, तो बोले हां बनाया हमने ही, लेकिन हमको अनुज्ञा नहीं मिली ये तैयार करने की, क्योंकि सिंगापुर से एक उसका कंपोनेंट चाहिए था, उसको लाने की अनुज्ञा नहीं थी, तो हम अपना वहां भेजते थे, वहां के कंपनी के नाम से ये तैयार हुआ, 5 साल भारत में बिगा, उसके बाद हमको अनुज्ञा मिली कि तुम भी करो। कर्तृत्व है हमारे लोगों में, उनको अवसर नहीं मिलता। शिक्षा में भी यही हाल है। कई बातें हैं, जहां की मैंने ये बात बताई वहीं पर गया था, वहां एक बैलगाड़ी रखी, अपनी परंपरागत बैलगाड़ी, टेक्निकल म्यूजियम है उनका, उस म्यूजियम में पहला आटे मैं बैलगाड़ी, मैंने कहा बैलगाड़ी बता रहे हैं आप टेक्निकल म्यूजियम में, तो बोले आपको मालूम नहीं ये जो बांस से और तांबे के तार और कीलों से बनी बैलगाड़ी है, अपनी जो परंपरागत बनती है, उसमें 86 टेक्नोलॉजिकल ट्रिक्स का उपयोग है परंपरा से, और आज जिन तत्वों पर सारी टेक्नोलॉजी चलती है उन सारे तत्वों का उपयोग, 86 तत्वों का उपयोग करके वो सब किया है, फिर उन्होंने समझाया मुझे। ये हमारे पास है, अवसर नहीं है, स्वाभिमान सिखाने वाली शिक्षा नहीं है। और इसे कैसे होगा? स्वरहित है, संस्कार रहित है, पढ़ा लिखा आदमी छोड़ के चला जाता है, अपने लोगों के लिए काम नहीं करता, आत्मीयता उत्पन्न नहीं होती उसके मन में देश के लिए। जितना अधिक पढ़ेगा उतना दूर जाएगा, बहुत अधिक पढ़ा तो समुद्र लांघकर अमेरिका में चला जाएगा। तो शिक्षा नीति का भी विचार होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और इस सब के चलते समाज में एकता और कर्तव्य बोध का अभाव। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, आपने सबने पढ़ा होगा, प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि हमारा यहां का आदमी सिंगापुर में जाता है तब बहुत अच्छा रहता है, इधर उधर थूकता नहीं, कचरा करता नहीं, कुछ नहीं, भारत में आके उसको हो क्या जाता है, आदमी वही है, यहां गड़बड़ करता है वहां ठीक चलता है। क्या है? कर्तव्य बोध का अभाव है। अब देखिए ना, अपने शहर में भीड़ का समय जब रहता है राहदारी में, और प्रत्येक आदमी आगे जाना चाहता है,
और सब आदमी एक साथ आगे जाने को कहते तो जाम हो जाता है, सब ताकत लगा रहे कोई आगे नहीं जा रहा। सबको मालूम है पढ़े लिखे लोग हैं, वाहन वाले लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग और संपन्न लोग, उनको मालूम है कि रास्ते के अनुशासन का पालन करेंगे तो कभी जाम नहीं लगेगा, लेकिन नहीं करते। कर्तव्य बोध का अभाव है, इसलिए अनुशासन का अभाव है और आपस में भेद। अभी परसों एक जगह मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने अपना गोत्र बताया। मैंने बोला भैया मैं तुम्हारा गोत्र नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं, तुम कहां से आए पूछ रहा हूं, क्योंकि जरा शक्ल में दिखने में कहीं बाहर से आए लगते हैं। तो उन्होंने कहा मैं रहता ब्राजील में हूं, वहां से आया हूं, मेरा नाम हमको, लेकिन भारतीय मूल का है। तो पहले उसने अपना गोत्र ही बताया, क्या बताने की जरूरत है, लेकिन है मन में बैठी है ना जात पात, मन में बैठा है ना प्रांत, मन में बैठी है ना भाषा। मैं सारे भारत में घूमता हूं, आपको मैं बताता हूं कि गुणवत्ता की दृष्टि से शरीर की मन की बुद्धि की भारत के कहीं का कोई व्यक्ति अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि 40,000 वर्षों से हम सब लोगों का डीएनए एक है। तो आज हम अपने जात को यानी जन्मना अलग अलग मानते होंगे, लेकिन सबके पूर्वज तो समान है, तो एक ही वंश के सब हो गए। लेकिन हम है कि हर बात में भेद देखते हैं, भेदों के बिना चैन नहीं पड़ता है। इन भेदों को छोड़ दिया फैशन के चलते, नहीं नहीं ये सब हम नहीं मानते, और तथाकथित एफ्लुएंट बन गए तो क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर है ही, वो एक नया भेद आ गया क्योंकि चैन नहीं पड़ता है। भेदों से ग्रसित, भेदों से, भेदों के शिकार समूह है, उनमें भी आपस में भेद चलता है। ये देश का कटा बटा होना कितना फायदा करता है अपने शत्रुओं का, इतनी सारी समस्याएं। मैं ऐसे वर्णन करता जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मनोहर राव जी ने कहा कि कॉल दो प्रेरणा दो, और ये तो हमको निराश कर रहे हैं। और सामान्य आदमी निराश होता है, निराश होने की बात नहीं है, ये चुनौतियां है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चुनौतियों का स्वरूप ये है, इश्यूज अलग अलग है, एक एक के डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन नीतिगत अंतर्गत सब प्रकार के और बाह्य सब प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन डरने का कारण नहीं, ऐसे कई समय का हमने सामना किया है आज तक, हमें इन सब बातों को पार करके अपने देश को बड़ा बनाने की क्षमता भी है, बिल्कुल है, उसके कई उदाहरण मिलते हैं। आज भी भारत में मेधावी कौन है, भारत का छात्र है सर्वत्र। अभी जहां मैंने कहा टेक्निकल म्यूजियम की बात, वहां का छात्र अभी पिछले साल की स्पर्धा में सारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल स्किल कंपटीशन जो होती है उसमें दूसरा आया, सिल्वर मेडल, जापान से भी ऊपर, जापान ब्रॉन्ज मेडल लिया जापान ने, कोरिया केवल ऊपर था। और मैंने पूछा कि इस साल क्या, तो बोले इस साल हमारी गोल्ड मेडल लेने की तैयारी, और ले लेंगे। जिस खेल में हम मार खाते थे उस क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया सोच रही कि हम महाशक्ति बनेंगे, हमें है ताकत है, और ऊपर ऊपर की बात नहीं है। चित्रकूट जाके देखेंगे तो इसी भारत में इन्हीं लोगों ने परिसर का काया पलट कर दिया है। जन सहयोग के आधार पर जहां एक फसल नहीं ले सकते थे किसान ठीक से, वहां तीन तीन फसल होती है। किसी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, कोई झगड़ा गांव का बाहर नहीं जाता, गांव में उसका निर्णय हो जाता है, कोई निरक्षर नहीं है। 500 गांव में ये प्रयोग किया, वही लोग हैं। एक क्षमता है और इच्छा भी है। एक जंगल में पढ़ने वाला चौथी पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिया, अब किशोर तरुण हो गया, घर चलाना है, इसलिए नौकरी ढूंढने के लिए आया तहसील स्थान पर। उसको चाहिए पैसा, और चौथी पास है तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। सीधा देहात से उठकर आया, उसने ट्रेन कभी देखी नहीं थी, इतना तो उसका पहचान वाला कौन है,
कहां मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलता। किसी के परिचय से हमारे छात्रावास में ठहरा था, घूम फिर कर 3 दिन हताश हो गया, आ गया, उसने कहा यहां का ही कोई काम मुझे दे दो। तो हमारे छात्रावास प्रमुख ने उसको कहा कि पैसा नहीं मिलेगा, हम बहुत भुकड़ू लोग हैं, 30 रुपया महीना दे सकते हैं, झाड़ बुहार, पानी भरना, भोजन बनाना, 3 काम करने पड़ेंगे। वो इतना जरूरतमंद था, उसने कहा 30 रुपया, 30 रुपया सही, 30 रुपया प्रति मास नहीं भेजूंगा, 4 महीने का एक साथ 120 रुपया भेज दो, 100 रुपया भेजूंगा, 20 रुपया मेरे पास रखो, रह गया। 4 महीने के बाद उसको 120 रुपया दिया, उसने वापस कर दिया। तो छात्रावास संचालक ने कहा कि मैंने पहले ही बताया था हम ज्यादा दे नहीं सकते, तुम दूसरे कहीं जाओ, लेकिन तुमने अगर क्यों, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं वापस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये कम है, मैं वापस इसलिए कर रहा हूं मुझे लेना नहीं है। तो लेना नहीं क्यों, अरे इतनी जरूरत है तुम्हारे घर में, तो यहां जरूरत आज भी है, लेकिन ये 4 महीने में ऐसा हुआ कि एक वो आए थे सज्जन, उनको मैंने पूछा आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि यही काम करते हैं, गांव गांव घूमते, संघ के प्रचारक, गांव गांव घूमते और छात्रावास कैसे चल रहा है, शाखा कैसी चल रही है, सब देखते हैं। मैंने पूछा क्या पढ़े, मुझे लगा ये भी कम पढ़े होंगे इसलिए ऐसा कुछ करते, तो उन्होंने कहा एमकॉम एलएलबी। तो बोले एमकॉम एलएलबी क्या होता है, तो उन्होंने बताया 23वीं, क्योंकि उसको डिग्री तो समझ में नहीं आती, 4थी समझ में आता है, 5वीं 6वीं 7वीं ऐसा करते करते 23वीं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा 23वीं, तो फिर आपको तो बहुत पैसा मिल सकता था। तो बोले हाँ मिल सकता था, तो फिर यहां कितना मिलता है, तो बोले नहीं ये पैसा नहीं, लोन नहीं लेते, फिर घर कैसे चलता है, तो बोले शादी नहीं की, तो बोले क्यों ये काम करना है, फिर पैसा कमा के शादी क्यों नहीं करते, बोले अपने समाज का काम करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि ये पढ़े लिखे हैं या अपने समाज का काम करते हैं, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या ये समाज मेरा नहीं है क्या, तो ये अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं भी यहां बिना पैसे काम करूं। उसको कुछ नहीं मिला है, उसको केवल अपने धरती से अन्न मिला है, अपने देश के जंगलों पर से बहती आई हुई हवा उसके फेफड़ों में है और यहां का पानी वो पिया है, वो सोचता है मेरे देश के लिए मैं भी करूंगा। 15 साल पूर्णकालिक रहा, उसके घर की हालत देखते हुए जबरदस्ती उसको हमको ड्राइवर ट्रेनिंग देकर नौकरी लगानी पड़ी। ये हमारे देश में है, हमारे लोगों में है, हमारे तरुणों में है, और ऐसी तरुणाई हमारे पास भरपूर है, भरपूर तरुणाई है। आने वाले 30 साल में मैंने कहा ना, दुनिया में सब देशों के लोग बुढ़ापा ग्रसित लोगों की बहुसंख्या वाले हो जाएंगे और हम तरुणों की बहुत बड़ी बहुसंख्या वाले रहेंगे। नित्य नूतन विचार करना यह तो परंपरा से हमारे स्वभाव में, आयु की और वृत्ति की तरुणाई हमारे पास है जितनी दुनिया के पास किसी में नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे पास भरपूर ज्ञान है, जैसे आज प्रचार का युग है वैसे कल जानकारी का युग होगा, और परसों का युग कहते हैं कि ज्ञान निधि का युग होगा, और सब लोग कहते दुनिया में कि जब ज्ञान किसके पास कितना है इसका युग आएगा, तब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एक ही है भारत, वो हमारे पास है। आज का ज्ञान है, जैसे मैंने कहा ये टेक्निकल म्यूजियम वगैरह की बात, एक से एक अच्छे अच्छे कल्पक ऐसे लोग हमारे पास हैं। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो उसके आधार पर कितनी बड़ी प्रगति वो कर लेते, विकास कर लेते, कितने ऐसे तरुणों के और कर्तृत्व के सारे किस्से और हम देख रहे हैं। मैनेजमेंट करके जाता है और सब्जी बांटने की चेन चलाता है, किसी झंझट में नहीं पड़ता है। कितने ऐसे उदाहरण आ जाए, हम जानते हैं कि हम लोगों में कर्तृत्व है, क्योंकि हमारे पास ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान भी है और आज के ज्ञान का उपयोग करने का विवेक बुद्धि भी है, परंपरा से भी ज्ञान है। अभी बताया ना वेदों का, उन वेदों में क्या क्या विज्ञान है, लोग खंगाल रहे हैं, अब विदेशों के विज्ञान वैज्ञानिक। अब दुर्भाग्य यह है कि उसकी कुछ 1100 कुछ शाखाएं थी, अभी केवल 13 बची है। लाखों हस्तलिखित है, 5 लाख के ऊपर हस्तलिखित पढ़े हैं इधर उधर, उसमें से 45 लाख मालूम है और वो भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये सारा करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सारा उपलब्ध है,
कृषि में, तकनीकी में, सब विज्ञान की शाखाओं में हमारे यहां पर परंपरा से भी ज्ञान उपलब्ध है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उसकी कोई कमी नहीं, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास कुशलता है। इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में किसान भी विकसित कर लेता है, वो जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है? अपने सामान्य लोग विचार करते हैं और किसी मशीन को अपने उपयोग के लिए लगा लेते हैं। हमारे यहां स्वभाव में वो कुशलता है, दिमाग में वो कुशलता है और अच्छी परंपरा है। परंपरा से जैसे आयुर्वेद आया है, से रिवाज भी है, कुटुंब व्यवस्था। हमारे देश के रोजगार को संभालने वाली कुटुंब व्यवस्था, हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहता, क्योंकि घर संभालने का काम करने वाले भी लोग हैं। बिहार में कभी जाएंगे आप, वहां बड़ी फैमिलीज अभी एकत्र परिवार अभी भी है, तो वहां परिचय पूछते तो आप क्या है? मैं इंजीनियर हूं। आप क्या करते हैं? मैं खेती चलाता हूं। आप क्या करते हैं? मैं घर का दुकान संभाल रहा हूं। अच्छा, आप क्या? नहीं, हम घर में रहते हैं। घर में रहते काम हुआ? हाँ, घर में रहकर घर को संभालना, 70 लोगों का परिवार रोज का चलाना, समय पर भोजन मिल रहा है सबको, बच्चों का रख रखाव ठीक है, ये देखना, ये भी एक काम है। वो रोजगार में गिनते नहीं आज के शास्त्र में है। सोशल सिक्योरिटी और सोशल कैपिटल, उससे कितना क्रिएट होता है और उसकी रक्षा कैसे होती? ये जो हमारी कुटुंब परंपरा है, उसके कारण कठिन आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश कभी गरीब नहीं हुआ, क्योंकि देश के उत्पादन की, देश के संपत्ति की सारी रक्षा हमारे कुटुंब करते हैं। कुटुंब हमारा यूनिट है, व्यक्ति नहीं। वैसे ही बचत करने की आदत, ये जो अचानक अमेरिका में और सारा कुछ ढहने लगा, उसका मार हम पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे पास बचत थी। हमारा प्रत्येक आदमी बचत करता है, वहां वो लोग आदत लगाते हैं कर्जा निकालो और चलो, एक एक आदमी के ऊपर कितने $2,000 कर्जा है, वहां 3-3 साल तक कर्जे में डूब गए लोग। हमारे ऐसा नहीं, बचत करो। और इसलिए हमेशा देश के पास आड़े वक्त काम आने वाला धन रहता है, इसलिए हम पर मार कम पड़ी, हमको ज्यादा हिला नहीं सकी वो संकट परंपरा। ऐसी स्वस्थ परंपराएं हमारे पास है, करने की बात है, करने की बात है, करने से होता है। क्या करना है वो बहुत सामान्य बात है। सारी इस परिस्थिति को अगर एक बात में बांधना है, संकट क्या है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। हम कौन है, क्या है, हमको पता नहीं। कश्मीर हमारा है कि नहीं पता नहीं। हमारी सीमा मैकमोन रेशा तक है कि उसके आगे है कि उसके पीछे है पता नहीं। कच्छतीयू हमारा है कि नहीं मालूम नहीं। बेरुबारी हमारा है कि नहीं मालूम नहीं। कोई भी आता है अपना दावा बोलता है, हम थोड़ा देर झगड़ा करते, बाद में कहते अच्छा ले जाओ। तो हम कौन है, क्या है, कितने हैं, कहां है पता नहीं। हमारा एक राष्ट्र है कब से है? कुछ लोग कहते हैं सनातन काल से, कुछ लोग कहते हैं 150 साल से, कुछ लोग कहते हैं 47 के बाद का है, कुछ लोग कहते हैं हम एक है ही नहीं। दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं, स्वयं के बारे में कोई भ्रम नहीं है। विचारधारा अनेक है, मतभेद भी है, आपस में झगड़ा भी करते हैं, लेकिन हम कौन है इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हमारे यहां उसी को लेकर भ्रम है। और इसलिए हम कौन है, हम सनातन काल से एक राष्ट्र है, हमारी एक अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृति है, उसके आधार पर सबका संतुलन साधने वाला और किसी रिलीजन से जो संबंधित नहीं है ऐसा धर्म, मानव धर्म हमने दुनिया को दिया है। इन सब बातों से नई पीढ़ी विशेषकर बेखबर की जा रही है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। और जिसको अपना वजूद मालूम नहीं, उसका अपना चरित्र क्या होगा? अरे भाई, मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं वहां कभी झूठ नहीं बोला जाता, तो मैं चिंता करूंगा कि मैं भी कभी झूठ ना बोलूं। हमारे खानदान में कभी कोई फेल नहीं हुआ है, ऐसा है तो मैं प्रयास पूर्वक प्रत्येक परीक्षा पास करूंगा। लेकिन यह स्वाभिमान ही मेरे पास नहीं है, आत्मगौरव नहीं, तो हुए फेल कौन हमारे खानदान में मैट्रिक के आगे पढ़ा, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसलिए कोई स्तर नहीं होता शील का, और इसलिए क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर आता है।
और इसके चलते क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाता है। किस पर विश्वास रखना आप बताइए। आप जहां जाएंगे वहां बोर्ड लगा है जेब पत्रों से सावधान, इसका मतलब भीड़ में जितने लोगों को मैं नहीं जानता उसमें से कोई भी जेब कतरा हो सकता है। अपने यहां यही देखने को मिलता है, कहीं भी जाओ जेब कतरों से सावधान। ट्रेन में परिचय हो गया, दूसरों को भोजन खिलाने के लिए आग्रह किया, वो खाने को शुरुआत करते वहां अपरिचित आदमी से भोजन ग्रहण करने से आपके प्राणों का खतरा हो सकता है। सर्वत्र अविश्वास का वातावरण है। मूल में यही समस्या है। चीन समस्या नहीं, पाकिस्तान समस्या नहीं, टेररिज्म वगैरह समस्या नहीं, मूल में समस्या अंदर है। एक खरगोश था और वो निकला अपने झुरमुट के बाहर नहाने के लिए, और निकला तो एकदम ऐसा ऊपर से ताड़ का, ताड़ के पेड़ का सूखा पत्ता गिर गया, खड़क से आवाज आई, भाग गया। देखा फिर से, अरे एक सूखा पत्ता गिरा, डर गया, ग्लानी हो गई उसको, क्या भगवान तुमने मुझे बनाया, इतना छोटा सा कोमल बनाया, कुछ ताकत नहीं, डरना पड़ता है, अरे कम से कम हाथी जैसा बनाता मुझे तो। भगवान सबकी सुनता है, उसकी भी सुन रहा था। भगवान ने कहा तथास्तु, हाथी जितना बन गया उसको लगा चलो बहुत अच्छा, अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। निकला फिर से, तालाब के पास गया तो तालाब में देखता है तो एक मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ तो पानी में हाथी को भारी होता है। स्नान बिना किए वापस आया, फिर से रोने लगा, क्या फायदा भगवान हाथी जितना बनाया, मगरमच्छ के जैसे कांटे तो नहीं है, मेरे दांत तो नहीं है। भगवान ने कहा तथास्तु, हाथी जैसे शरीर पर मगरमच्छ जैसे कांटे आ गए, दांत आ गए। फिर निकला बाहर, शेर की दहाड़ सुन के छुप गया, फिर रोने लगा, कहा शेर जैसा रोब नहीं है, वो दहाड़ नहीं है, दे दिया भगवान ने तथास्तु। फिर निकला तो देखा कि जंगली भैंसों का एक झुंड आ रहा है, रोंदे जाने के डर से फिर से उसको वापस जाना पड़ा, फिर से रोने लगा। अब ये कितने वक्त बढ़ा सकते हैं आप इस कहानी को ऐसा। लेकिन अंत में भगवान उसको कहता है कि मूर्ख, तुमको अगर मन का भय भगाना है तो ये बड़ा आकार, मोटी खाल, कांटे, दांत मांगने के बजाय एक छोटा सा हृदय निर्भय मांग लेते अपने शरीर में तो सारी समस्या हल हो जाती। तो सारी समस्या हमारे अपने अंदर की समस्या है, उसका इलाज हमको करना पड़ेगा। समस्याएं संकट भयंकर है, उनसे लड़ना है तो लड़ेंगे, उनसे लड़ने की समस्या नहीं, हम अपने आप से पहले लड़ ले। उदयनंद नाम का राजकुमार था, विद्या प्राप्त करने गया, विद्या प्राप्त की 12 साल, परीक्षा में उसको पूछा कितना लड़ सकते हो, उसने कहा 10,000 लोगों से लड़ सकता हूं। उसको कहा कि ऐसा करो 6 महीने के बाद परीक्षा लेंगे तुम्हारी, तो उसके ध्यान में आ गया। 6 महीने बाद यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, यानी फेल हो गए। तो सोचा उसने क्या गलती हुई, तो उसको ध्यान में आ गया 10,000 लोग एक साथ नहीं मार सकते कभी भी, 10,000 लोग घेर कर मारेंगे तो भी अंदर के सर्कल में ज्यादा से ज्यादा 27 लोग हो सकते, वो मार सकते। अगली बार गया, यही प्रश्न पूछा तो उसने कहा 27 लोगों से लड़ सकता हूं। तो अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक दिशा में सोच रहे हो, और सोचो 6 महीने के बाद आओ। अब क्या गलती हो गई, फिर उसने सोचा तो ध्यान में आया 27 लोगों से भी एक साथ नहीं लड़ना पड़ता, एक समय एक मार रहा है उसको रोको, दूसरे से हट जाओ, तीसरे को धौंस दिखाओ, चौथे को पीटो और पांचवे के बगल से निकल जाओ, ऐसे एक समय एक एक लड़ने का शास्त्र यही है, एक से ज्यादा फ्रंट्स नहीं खोलते कभी, एक समय एक फ्रंट। तो अगली बार गया और पूछा तो उसने कहा कि वो तो एक के साथ बहुत अच्छा लड़ सकता। तो उसको बताया गया कि अब तुम पहुंचने वाले हो, पहुंच जाओ और फिर आओ। अब क्या हुआ, फिर से गया, पूछा, बताया उसको, बताओ कितना लड़ सकते हो। तो कहा लड़ना क्यों है मुझे, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, भारत किसी का दुश्मन है क्या, भारत को किससे लड़ना है, भारत को किसी से नहीं लड़ना है, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम वाला, यहां पर जो कुछ होगा भारत से, जो कुछ होगा भारत में, जो कुछ होगा भारतीय के द्वारा, जो कुछ होगा वो सब प्रजातांत्रिक अहिंसक तरीके से ही होगा। हिंसा यहां चल नहीं सकती, गुंडागर्दी हुकुमशाही यहां चल नहीं सकती। लोगों ने करके देख ली है, नहीं चली। हमको भी जो कुछ करना है प्रजातांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से ही करना है। हम किसके दुश्मन हैं,
हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है। और हमको जो शिक्षा मिली है वो लड़ने भिड़ने के लिए नहीं मिली है, सबको जोड़ने की मिली है। तो उसने कहा कि हमको लड़ने भिड़ने की शिक्षा नहीं मिली और हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ सकता। लेकिन दुनिया ऐसी है क्या? दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया में दुष्ट लोग हैं, वो लड़ेंगे मुझे लूटने के लिए। तो मैं इतना सीखा हूं, मैं अपने आप को और अपनी प्रजा को बचा सकता हूं, अपने आप को और अपने प्रजा को मैं बचा सकता हूं, अपने समाज को बचा सकता हूं, इतना ही अपने को करना है। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, तुम कैसा लड़ते हैं 12 साल देख रहे, तुमको यह समझ में आना चाहिए कि हिंसा नहीं, अप्रजातांत्रिक तरीका नहीं, तुम अपने आप को ठीक करो, अपने आप को बचाओ, समाज को बचाओ, यही हमको करना है और कुछ करना नहीं। और सारे समाज को बचाना है ना, पहले खुद बचना पड़ेगा, प्रारंभ स्वयं से करना पड़ेगा। करना क्या है? स्वयं से प्रारंभ करते हुए पहली बात क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, तो हमको यह जानना पड़ेगा हम कौन है, हम क्या है, समझना पड़ेगा। भारत को समझो, भारत की विरासत को समझो, भारत के मूलों को समझो। उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, जो हम है वो है, भारत इसलिए है कि हम वो है, वो हम क्या है इसको पहचानना और उसकी अच्छी बातों के बारे में मन में गौरव धारण करना। सारा भारत अपना है, बोलने के लिए आसान बात है भाषण में, लेकिन पंथ जाति प्रांत भाषा और आजकल पॉलिटिकल पार्टी के भेदों के इतने गहरे संस्कार अपने मन करें, उनको त्याग करना पड़ेगा। और इसके ऊपर उठकर मैं संपूर्ण देश का विचार करता हूं, संपूर्ण देश मेरा है, मैं संपूर्ण देश का हूं, ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। स्वयं आदत करनी पड़ेगी, अपने अंतर को टटोल कर उसको शुद्ध करना पड़ेगा और श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ये अमर राष्ट्र आक्रांताओं के द्वारा समय समय पर पदलित होकर भी नष्ट न होता हुआ दुनिया की आवश्यकता पूरी करने के लिए, परोपकार के लिए फिर से नए रूप में आत्मा को कायम करके अधिक उज्ज्वल रूप में जन्मने वाला ये राष्ट्र इस संकट को भी पार करेगा। पार करने में हम लग जाएंगे, हम विजयी होंगे, इस श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसा है और वैसा ही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। भारत नहीं रहेगा दुनिया बचेगी नहीं, दुनिया की एकमात्र आशा भारत है, क्योंकि भारत के पास धर्म है। पूजा पद्धति नहीं कह रहा हूं मैं, रिलीजन नहीं कह रहा हूं, संप्रदाय पंथ की बात नहीं कर रहा हूं। शरीर और मन और बुद्धि के सुख को संतुलित करते हुए आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला, व्यष्टि समष्टि सृष्टि को विकसित करते हुए स्वयं के लिए सुख प्राप्त करे और परमेष्टि का अवतरण सारे सृष्टि, ऐसा यत्न सिखाने वाला, अर्थ और कामों को धर्म के द्वारा नियंत्रित करता हुआ मोक्ष की ओर चलाने वाला, संपूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति जीवन में विवेक और संतुलन देकर करने वाला, ये धर्म दुनिया को देना, दुनिया को उसके आज आवश्यकता है, देना भारत का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, भारत को उठना ही होगा। और यह नहीं हुआ तो दुनिया नहीं रहेगी, हमारा कहीं तरफ घाटा नहीं है। हम विजयी हुए तो विजयी होंगे, कुछ हो गया नहीं हो सके तो हमारा घाटा नहीं है, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, घाटा और मुनाफा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और इसलिए बात के साथ कि सारी दुनिया के लिए भारत उठना है, उस पुण्य कार्य में हमको अपनी आहुति डालनी है, हम विजयी होंगे, श्रद्धापूर्वक खड़े रहना। मन की वृत्ति को पहले ठीक करो, आत्मगौरव पूर्ण, श्रद्धापूर्ण, विश्वास पूर्ण, देश के साथ एकात्म वृत्ति का धारण करना, स्वयं के लिए नहीं। आजकल करियरिज्म बहुत है, करियर भी किसके लिए होता है? देश के लिए होता है ना, सावरकर जी ने कहा है, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे कि तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साता, हा व्यर्थ भार विद्येचा। जो गुण सुमन मैंने चुने हैं
वो उसको सुगंध देने के लिए, अगर वो हमारी भारत माता इसका उपयोग नहीं कर सकती तो ये मेरे लिए तो व्यर्थ भार है, बोझा ढो रहा हूं मैं। जीवन की दिशा पक्की करनी पड़ेगी, मैं जीऊंगा खुद भूखा नहीं रहूंगा, लेकिन अपने जीवन की ताकत जैसे अपने आप को ठीक रखने के लिए खर्चा करते हैं, कम से कम मैं अपना काम चलाते हुए अधिक से अधिक समाज के लिए दूंगा मेरे जीवन में, समय और कमाई दोनों। मेरा करियर होगा समाज की सेवा, देश की सेवा। मैंने कितना प्राप्त किया, मेरा जीवन यश के लिए नहीं है, सक्सेसफुलनेस के लिए नहीं है, मेरा जीवन है समाज सेवा। मेरा क्या होता है परवाह नहीं, देश खड़ा हो जाए, देश के लिए सर्वस्वार्पण की वृत्ति मन में रखकर सब प्रकार का पुरुषार्थ करने की तैयारी अपने जीवन में करनी चाहिए और सक्रिय सहभाग करना चाहिए। आज देश में चल रहे प्रयास, ऐसा नहीं कि केवल बुरा ही बुरा, अच्छा करने वाले लोग हैं, कर्तुम प्रयास यानी अच्छा जो है वो करना, बहुत लोग हैं, जो खराब है उसको नहीं करना, इसके लिए भी प्रयास चल रहे, अकर्तुम ऐसे भी प्रयास चल रहे, और जो उल्टा कर रहे, देश को बिगाड़ रहे, आक्रमण कर रहे, ऐसा कर रहे, उनके प्रतिकार, उनको सफल नहीं होने देना, दूसरा कुछ बनाना, अन्यथा कर तुम प्रयास, ये भी चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहे, सहभागी होना चाहिए। छात्र है तो क्या हुआ, अभी तरुण है तो क्या हुआ, देश के नागरिक सब है। देश पर संकट आता है तो वो पूछता नहीं 18 साल के ऊपर कौन कौन है, उनको मैं बाधित करूंगा, बाकी तो अभी वोटर नहीं, उनको छोड़ दूंगा, ऐसे संकट नहीं कहता। उपद्रव सबको होता है और इसलिए सब में अपनी भूमिका होनी चाहिए। देश के लिए जो तीनों प्रकार के प्रयास है, अच्छा करने के, बुरा रोकने के और बुरा रोककर उसके जगह कुछ अच्छा करने के, ये सब प्रकार के प्रयासों में, आंदोलनों में, अभियानों में बाहर आना चाहिए और सक्रिय सहभाग करना चाहिए। जैसे जैसे अपने देश में कुछ वर्गों को आर्थिक सुबत्ता मिल रही, शिक्षा भी मिल रही, वैसे वैसे घर में घुसने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति कम रही, अपने दिल में ये नहीं होने देना चाहिए, इस सब में सक्रिय सहभाग करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो होगा, बहुत डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत रास्ते हैं, अपने विवेक से कोई रास्ता लीजिए। मेरा किसी विचारधारा संस्था संगठन में आधा आग्रह नहीं है, केवल दो बातों पर आग्रह है, जो कुछ करेंगे वो जो प्रजातांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से करेंगे, क्योंकि हिंसक तरीका ये केवल मुलम्मा होता है, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता। रिवोल्यूशन इज ए मिथ, देयर इज रिवोल्यूशन, देयर इज नो रिवोल्यूशन। इवोल्यूशन देश में जो चाइना की हुई, रशिया की हुई, किसी भी देश की, उसका इतिहास देखिए, हमको जो रिवोल्यूशन बताते हैं वो केवल 10-50 वर्षों का समय है, उसकी तैयारी 100 साल से चल रही थी। मौत से तुम के पहले 100 साल चीन के जो आंदोलन प्रारंभ हुए, उसका लॉजिकल कंक्लूजन 1948 की कम्युनिस्ट क्रांति है। रिवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है, और इसलिए नो वायलेंस और डेमोक्रेटिक मींस, इसके आधार पर जो चलेंगे उनके साथ हम लग जाए, करने से जरूर होता है और करना ज्यादा इफेक्टिव। मेरा भाषण इफेक्टिव नहीं है, मेरे भाषण का क्या प्रभाव होगा मुझे मालूम नहीं, जो भी होगा, आप में से कोई एक वापस जाके कोई अच्छा काम करने में जुट जाएगा, मेरे भाषण से 1000 गुना ज्यादा उसका प्रभाव होगा। प्रत्यक्ष परिवर्तन में भी, लोगों को तैयार करने में भी। बौद्ध भिक्खु गए भारत से तथागत बुद्ध का संदेश देने चीन, और उनको लगा कि बुद्ध का चरित्र वहां पर मालूम होना चाहिए, उन्होंने किताब लिखी, पैसा जमा किया उसको छापने के लिए, कल छापखाने में जाने वाले थे, रात को भूचाल आ गया, तो जो धन आया था वो राहत में लगा दिया, राहत काम होने के बाद फिर धन इकट्ठा किया, दूसरे दिन छापखाने में जाना था, इतनी वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ राहत के काम में दूसरी बार लगा दिया, तीसरे बार जमा किया, दूसरे दिन छापखाने में जाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ, चले गए, पुस्तक छप गई, पुस्तक बट गई, लोगों ने खोलकर पढ़ने के लिए पहला पन्ना देखा, उस पर लिखा था इस पुस्तक का ये तीसरा संस्करण है, पहली बार छपी थी लेकिन छपी पहली बार थी,
पुस्तक में जो था उसका आचरण दो बार हुआ था, छपा हुआ ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह संस्करण काम के नहीं, वेदों का भी हुआ। इन वेदों के बारे में इतनी ललक अपने को क्यों है, इतना आकर्षण क्यों है? हमने कोई वेदों की पुस्तक नहीं पढ़ी, वेदों का पाठ सुन के ये नहीं हुआ। वेदमूर्ति लोगों का आचरण, उसकी परंपरा हमारे पास है, कुछ प्राप्त नहीं करते, केवल वेद संरक्षण के लिए जीवन लगा देते, व्रतस्थ जीवन रहता। ऐसे लोगों को सदियों से देखा है हमने, उसके लिए हमारे मन में सम्मान है, उसके कारण वेदों की प्रतिष्ठा होती है। हम करेंगे तो जरूर सही बातों की तरफ सारा समाज जाएगा, अधोगति रुक सकेगी, पलड़ा पलट जाएगा, इतिहास का एक नया अध्याय भारत में शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद का 150वां साल चल रहा है, उन्होंने कहा था कि 50 साल तक अपनी देवी देवताओं को भूल जाओ, केवल भारत को ही अपनी देवता मानो, उसके प्रत्येक संतान को अपना भाई मानो, कहो दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव, और एक छोटी सी कल्पना उसके भलाई की करो और उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्तियां जीवन का सारा समय खर्चा करो, तुम हिमालय जैसे उत्तुंग बन जाओगे। अब फिर से समय आ गया है ये करने का। संपूर्ण भारत के समाज को अपना मानकर भारत की संस्कृति और परंपरा सहित भारतीय जन जंगल जंगल जमीन जानवर सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए और विकसित करने के लिए अपना जीवन देने का समय आया है। अपनी रुचि क्षमता समय के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर हम काम करें, पलड़ा पलट जाएगा, निराश होने की जरूरत, करना प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उस करने के लिए यहां से आपको छुट्टी देता हुआ और आह्वान करता हुआ आपका धन्यवाद करके मैं अपने चार शब्द समाप्त करता हूं।